राधी राधी हरे कृष्ण भक्तों। तो आज है कृष्ण जन्माष्टमी, तो ये सारा होता है डेकोरेशन का सामान जो हम यहाँ बैकग्राउंड में करने वाली हैं। तो हमारी बैकग्राउंड की डेकोरेशन कंप्लीट हो चुकी है और आपको हमारी बैकग्राउंड की डेकोरेशन कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तो यहाँ पे ये डेकोरेशन कंप्लीट हो चुकी, तो चलते हैं लड्डू गोपाल को हमारे स्नान करवाने को। तो यहाँ पे हम हमारे लड्डू गोपाल को करवाएंगे चंदन से स्नान। तो यहाँ पे हमने सभी को स्नान करवा दिया, बस माधव का स्नान रह जाता है, तो हमारे माधव को करवाएंगे हम चंदन से अच्छे से स्नान, क्योंकि आज है जन्माष्टमी। लाला को तो हम रोज ही अच्छे से स्नान करवाते हैं, पर आज कुछ खास दिन है क्योंकि आज है जन्माष्टमी। तो सभी का हमने स्नान और श्रृंगार करवा दिया, तो साथ में करते हैं लड्डू गोपाल और राधा रानी की सुबह की आरती। आरती करने के पश्चात आज के यानी कि जन्माष्टमी वाले दिन के लड्डू गोपाल और राधा रानी के श्रृंगार दर्शन कर लीजिए। फिर हम शाम को 4 बजे लड्डू गोपाल और राधा रानी को लगाते हैं सिकंजी का भोग। शाम के 4 बजे हमें लड्डू गोपाल और राधा रानी को सिकंजी का भोग जरूर लगाना चाहिए। हमने हमारे लड्डू गोपाल के लिए चौकी अष्टसखी फूल और मोरों से सजाई होती है, और साथ ही में हमने तुलसी मैया को भी लाला के साथ बिठाया होता है। अगर आपको भी अष्टसखी लेनी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँ। फिर हम शाम के 7 बजे जब पूजा करते हैं तो सिक्के से खीरे को ऐसे काट लेते हैं, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। फिर इसके अंदर हम रख लेते हैं शालिग्राम जी को। हमारे पास इतने छोटे लड्डू गोपाल नहीं होते, तो हम इसमें शालिग्राम जी को बिठा देते हैं। तो हम रात के 12 बजे करवाएंगे शालिग्राम जी को खीरे में जन्म। यहाँ पर रात के 12 बजने वाले होते हैं, तो यहाँ पे हम बना रहे होते हैं धनिये की पंजीरी, और साथ ही में हम बनाते हैं ड्राई फ्रूट्स की पार्थ। ये गुड़ और ड्राई फ्रूट से बनती है, इसकी फुल डिटेल वीडियो में बहुत जल्द अपलोड कर दूंगी। साथ ही में ये हमारे ठाकुर जी को अत्यंत प्रिय होती है। फिर रात के 12 बजे हम शालिग्राम जी को करवाते हैं जन्म और फिर करवाते हैं उनको स्नान। जब तक मैं यहाँ पे शालिग्राम जी को स्नान करवा रही होती हूँ, यहाँ पे दीदी लगा रही होती है लड्डू गोपाल जी को भोग। फिर ये सारी चीजें हमने बनाई होती है लड्डू गोपाल और राधा रानी के लिए, इन सभी चीजों को हम लड्डू गोपाल और राधा रानी को लगा देंगे भोग, साथ में तुलसी पत्र डालकर, क्योंकि तुलसी पत्र बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि लड्डू गोपाल बिना तुलसी पत्र के भोग स्वीकार नहीं करते। फिर हम रात के 12 बजे करते हैं लड्डू गोपाल और राधा रानी की आरती। फिर हमारे ठाकुर जी को धनिये की पंजीरी, पार्थ, माखन मिश्री और जितने भी भोग होते हैं, इन सभी चीजों का लगा देते हैं हमारे लड्डू गोपाल, राधा रानी और तुलसा मैया को भोग। यहाँ पर हमने सभी को भोग लगा दिए होते हैं, बस हम केशव को भोग लगा देते हैं, तो हमारे केशव बाबू कर देते हैं हमारे साथ एक लीला। जब हम लड्डू गोपाल को माखन मिश्री का भोग लगा देते, तो हमारे लड्डू गोपाल अपने मुँह पर माखन मिश्री पूरा लगा लेते हैं। हमारे कान्हा जी तो है ही लीलाधर, क्योंकि उन्हें अपने भक्तों के साथ लीला करने में अत्यंत प्रसन्नता मिलती है। हमने लड्डू गोपाल और राधा रानी को भोग भी लगा दिया और उनकी पूजा भी कर ली, तो चलते हैं लड्डू गोपाल को स्नान करवाने के लिए। मम्मी ने लड्डू गोपाल को 5 अमृत से स्नान करवा दिया था, मैं पूजा पाठ में भूल गई थी लड्डू गोपाल की 5 अमृत स्नान से वीडियो बनाना, तो इसलिए मैं लाला को भी स्नान करवाते हुए दिखा रही हूं। हमारे कान्हा जी का स्नान हो चुका है, और यार सभी की पोशाक मैंने घर पर बनाई है, मैंने इन सब की वीडियो डाल रखी है कि हमने कान्हा जी की ये सारी पोशाक कैसे बनाई है, तो उन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। फिर हमारे लड्डू गोपाल को करवा देते हैं हम रात्रि शयन, तो इस वीडियो का पार्ट 2 भी आएगा बहुत जल्द। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे हरे कृष्णा।